डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पूर्णिमा दीक्षित आपको बीएससी थर्ड ईयर में बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ और विभिन्न आवश्यक तत्वों के अलावा सूक्ष्म आवश्यक तत्व हमने पढ़े। आज हम जैव प्रणाली में सोडियम तथा पोटेशियम आयनों की भूमिका को पढ़ने जा रहे हैं। रोल ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। पहले भी सोडियम पोटेशियम पंप, कैल्शियम मैग्नीशियम पंप आपने पढ़ रखा है, लेकिन आज हम दोबारा इसे पढ़ने जा रहे हैं। सोडियम आयन बाह्य कोशिका द्रव व पोटेशियम आयन आंतरिक कोशिका द्रव के महत्वपूर्ण आयन है। आप सभी जानते हैं सूक्ष्म तत्वों में सोडियम आयन पोटेशियम आयन की बहुत अहम भूमिका होती है। तो इस तरीके से ये जो है कोशिका द्रव के महत्वपूर्ण आयन है। शारीरिक प्रक्रिया जिसमें कोशिकाओं से सोडियम प्लस आयन तुरंत पृथक होकर पोटेशियम प्लस आयनों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, आयन परिवहन या आयन ट्रांसपोर्ट कहलाती है। इसे सोडियम पोटेशियम पंप या सोडियम पंप भी कहते हैं। इस प्रकार सोडियम पंप द्वारा कोशिका में बाह्य व आंतरिक कोशिका द्रव में आयनों का संतुलन बना रहता है। पोटेशियम आयनों की सांद्रता आंतरिक कोशिका द्रव में अधिक होती है क्योंकि पोटेशियम आयन ग्लूकोज के दहन में या मेटाबॉलिज्म में आवश्यक होने के साथ साथ राइबोसोम द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में भी आवश्यक होते हैं। तो ग्लूकोज के दहन, पोटेशियम आयन का क्या रोल है ग्लूकोज के दहन में, और दूसरा राइबोसोम द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में भी पोटेशियम आयन आवश्यक होते हैं। सोडियम आयन की सांद्रता आंतरिक कोशिका द्रव में कम करने का कार्य एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जल अपघटन द्वारा होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के जल अपघटन द्वारा सोडियम आयन की सांद्रता आंतरिक कोशिका द्रव में कम हो जाती है और वो बाह्य कोशिका द्रव में आ जाते हैं और उसके साथ ही पोटेशियम आयन अंदर चले जाते हैं। और आंतरिक कोशिका द्रव में पोटेशियम आयन की सांद्रता और बाह्य कोशिका द्रव में सोडियम आयनों की सांद्रता अधिक रहती है। सोडियम आयन की सांद्रता आंतरिक कोशिका द्रव में कम करने का कार्य एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जल अपघटन द्वारा होता है जिसमें सोडियम प्लस आयन साइटोप्लाज्म से बाहर धकेल दिए जाते हैं, साथ ही पोटेशियम आयन साइटोप्लाज्म में प्रवेश हो जाते हैं। जैसे ही सोडियम आयन को बाहर धकेला जाता है उसके साथ ही पोटेशियम आयन कोशिका द्रव में अंदर चले जाते हैं और अंदर पोटेशियम आयन की सांद्रता अधिक और बाहर सोडियम आयन की सांद्रता अधिक होती है। सोडियम पोटेशियम आयनों का संतुलन तांत्रिक कोशिकाओं के संचालन में भी आवश्यक है। नर्वस सिस्टम में जो संवेगों का संचालन होता है, नर्व इम्पल्सेस आगे बढ़ती हैं, उसके भी संचालन में सोडियम पोटेशियम आयनों का संतुलन आवश्यक होता है। पोटेशियम आयनों की उचित सांद्रता तांत्रिक आवेग नर्व इम्पल्सेस संवहन के लिए आवश्यक है। पोटेशियम आयनों की सांद्रता और सोडियम आयनों की सांद्रता नर्व इम्पल्सेस या नर्व के द्वारा किसी भी संदेश को लाने ले जाने में आवश्यक होती है और इसीलिए सोडियम और पोटेशियम आयनों की सांद्रता अगर उचित नहीं होगी तो ये कार्य नहीं हो पाएगा।
कोशिका भित्ति प्रोटीन की बनी होती है, दोहरी परत होती है, ठीक है। सेल वॉल जो होती है, कोशिका भित्ति जो होती है, वो प्रोटीन की बनी दोहरी परत होती है जो लिपिडों, सामान्यतः फास्फोलिपिडों द्वारा पृथक रहती है, जो कि फास्फोलिपिडों द्वारा पृथक रहती है। इन लिपिडों में से आयन गुजर नहीं सकते। इन जो लिपिड्स हैं, इनमें से आयरन पास, आयन जो है वो पास नहीं हो सकते, इनमें से आयन नहीं गुजर सकते जब तक कि उनका संपुटन एनकैप्सुलेशन न हो। इस प्रकार से कोशिका को घेरे हुए आयन कोशिका भित्ति की एक कार्बनिक लिपिड विलयशील सतह बनाते हैं। अधिकांश जंतु कोशिकाओं के आंतरिक कोशिका द्रव में पोटेशियम आयन तथा पोटेशियम आयन की सांद्रता लगभग 0.15 mg तथा सोडियम प्लस आयन की सांद्रता 0.01 mg होती है, जबकि बाह्य कोशिका द्रव में पोटेशियम आयन की सांद्रता 0.04 mg तथा सोडियम आयन की सांद्रता 0.15 mg होती है। यानी जो कोशिका द्रव है उसके अंदर पोटेशियम आयन की सांद्रता ज्यादा होती है, जबकि बाहर सोडियम आयन की सांद्रता अधिक होती है। सांद्रता में अंतर को बनाए रखने के लिए सोडियम पंप काम करता है। तो सोडियम पंप का क्या काम है कि कोशिका के अंदर पोटेशियम आयन की सांद्रता और बाहर सोडियम आयन की सांद्रता को बनाए रखे। सोडियम प्लस व पोटेशियम प्लस के ट्रांसपोर्टेशन परिवहन के लिए आवश्यक ऊर्जा को एटीपी के जल अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस कार्य के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो एटीपी के जल अपघटन द्वारा प्राप्त होती है। प्रत्येक जल अपघटित एटीपी अणु 3 सोडियम प्लस आयनों को कोशिका से बाहर निकाल देता है, जबकि 2 K+ व 1 H+ आयन को कोशिका के भीतर धकेल देता है। इस प्रकार कोशिकाओं के भीतर गए सोडियम प्लस आयन पंप द्वारा बाहर निकलते रहते हैं। तो इस तरीके से सोडियम पंप काम करता रहता है और सोडियम और पोटेशियम आयनों की सांद्रता क्रमशः बाहर व अंदर बनी रहती है। कोशिका भित्ति की त्वचा को एंजाइम Na+ और K+ एटीपेज Na+ K+ पंप के रूप में कार्य करते हैं। जो कोशिका भित्ति की त्वचा है के जो एंजाइम है वो सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस एटीपेज, सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस पंप के रूप में कार्य करते हैं। ऐसा माना जाता है, कि कोशिका भित्ति में बड़े बड़े प्रोटीन अणु फैले रहते हैं, जिन पर सोडियम व पोटेशियम दोनों के लिए स्थान या साइट्स रहते हैं। कोशिका भित्ति में बड़े बड़े प्रोटीन अणु फैले रहते हैं। भित्ति में सोडियम प्लस व पोटेशियम प्लस दोनों के लिए स्थान रहते हैं। जब इसकी बाहरी दीवार पोटेशियम प्लस व भीतरी दीवार सोडियम प्लस आयनों से पूर्ण हो जाती है तो उसमें कन्फर्मेशनल चेंज, संरूपीय परिवर्तन होता है, जिससे बाहर के स्थान भीतर व भीतर के स्थान बाहर हो जाते हैं। अधिक आसान भाषा में ये एक दरवाजे की तरह होता है। जब इस दरवाजे पर अंदर से सोडियम आयन और बाहर से पोटेशियम आयन पूरे लग जाते हैं, उनमें जुड़ जाते हैं, तो इस दरवाजे का रोटेशन होता है और बाहर का स्थान अंदर चला जाता है, अंदर का स्थान बाहर आ जाता है, जिससे बाहर सोडियम आयन आ जाते हैं
और अंदर पोटेशियम आयन चले जाते हैं। तो यही है इसमें कि उनमें जब संरूपीय परिवर्तन होता है जिससे बाहर के स्थान भीतर व भीतर के स्थान बाहर हो जाते हैं और पोटेशियम के प्लस आयन अंदर की तरफ और Na प्लस आयन बाहर की तरफ मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार सोडियम पोटेशियम के परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन के लिए यह एक घूमने वाले दरवाजे की भांति व्यवहार करता है। तो इस तरीके से सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है और ये इम्पॉर्टेंट है कैल्शियम मैग्नीशियम व सोडियम पोटेशियम पंप। अब आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में कैल्शियम और मैग्नीशियम पंप को हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।